हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। यहाँ पे आज बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन है। इवन दो आप कह सकते हो कि फायरबोल्ट की जो हल्क है उसकी कॉपी कर रखी है। यहाँ पे कौन सी वॉच है? ये है आपकी बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो। गाइस देख सकते हो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग दोनों में दी गई है यहाँ पे इस तरीके से, और हल्का सा डिज़ाइन डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे जो फायरबोल्ट की वॉच है इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लश्ड है, यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पे आपको स्पीकर का वेंट मिल जाता है बड़ा सा। इसमें स्पीकर का वेंट यहाँ पे प्लास्टिक में दिया गया है, यहाँ पे नीचे पीछे जो पॉलीकार्बोनेट है इसमें फायरबोल्ट वाली में। और यहाँ पे आपका माइक का वेंट मिल जाता है। इसमें अगर बात करूँ यहाँ पे माइक का वेंट मिलता है इधर की साइड, और यहाँ पे आपका स्पीकर का वेंट मिल जाता है। अगर यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर दोनों में देखने को मिल जाता है इस तरीके से। और गाइस मोटापे में कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सेम उतनी मोटी हैं जितनी मोटी आपकी फायरबोल्ट की वाली वॉच मिलती है हल्क, और उतनी मोटी आपकी ये बोल्ट की ड्रिफ्ट मिल जाती है। सेम ही यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड आप देखने में लग रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इस तरीके से बटन की प्लेसमेंट है, देख सकते हो, है ना। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रैप का साइज़ कितना है। 22mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप इसमें लगा सकते हो, और इसमें भी आपका 22mm ही है आफ्टर मार्केट का, आप इसमें लगा पाओगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप करके होम पे पहुँच जाते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत जल्दी लो कर लेता है जैसे ही उस पर जाता है। अब गाइस यहाँ पे ऊपर की साइड से टॉगल नहीं एकदम एक्जैक्टली कॉपी कर रखा है। डिस्प्ले की क्वालिटी और स्क्रीन साइज भी सेम ही है यहाँ पे, और ब्राइटनेस लेवल्स भी सेम है। यहाँ पे ओवरहाइप कर रखा है इसका मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे फायरबोल्ट की हल्क ने 550 कुछ निट्स की ब्राइटनेस दी थी, उतनी ही ब्राइटनेस मेरे को इसमें लग रही है जो बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो है। ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, दैट्स इट, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करके जैसे ऑटो स्लीप यहीं पे आप चेकआउट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये थिएटर मोड मिल जाता है। सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले में ऑटो स्लीप का ऑप्शन मिलता है 20 सेकंड यहाँ पे, और फायरबोल्ट की वॉच में 30 सेकंड मिलता है, ये प्लस पॉइंट है। मेन्यू व्यू यहाँ पे जाते हो, लिस्ट और ग्रेड वाला मेन्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे ग्रेड वाले मेन्यू में देखते हैं यहाँ पे कौन सा फ्लूड है कौन सा नहीं है। तो कैसे दोनों ही फ्लूड है यहाँ पे, ऐसा सच लैग नहीं। वैसे 30 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट मिलता है यहाँ पे दोनों में, किसी में भी आपको वो नहीं मिलता, कह सकते हो आपका जो 60 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट है। ब्राइटनेस लेवल्स मैंने फुल कर रखे हैं। वॉच फेस की बात करें तो यहाँ पे फायरबोल्ट की हल्क में काफ़ी ज़्यादा वॉच फेस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन, देख सकते हो यहाँ पे। और ओवरऑल मेरे को फायरबोल्ट का ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पे वॉच फेस तो ज़्यादा मिलता है कम से कम जो इस वाली से है बेसिकली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे और सेटिंग में चीज़ें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लो पावर मोड है, थिएटर मोड मिल जाता है, यहाँ पे फोन कॉल का कॉल रीसेट है, AI वॉइस असिस्टेंट है, स्क्रीन क्लॉक यहाँ पे दो मिल जाते हैं एनालॉग डिजिटल वाला, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अभी आपको दिखा दूंगा यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स किसके ज़्यादा है स्क्रीन क्लॉक में, और सिस्टम का ऑप्शन मिलता है दैट्स इट, यहाँ पे अवार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे राइट साइड में राइट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं इस तरीके से। लेफ्ट साइड में आपका स्प्लिट स्क्रीन दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे लैग तो यहाँ पे दोनों ही कर रही हैं क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट नहीं है। नीचे की साइड से ऊपर को स्वाइप करते हैं आपको टॉगल मेन्यू मतलब मेन जो नोटिफिकेशन एरिया है वो खुल जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। यहाँ पे हमारा टेकपो चैनल टेलीग्राम वाला दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लो, उसके बिना नहीं जाना यहाँ से। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डील्स, लो प्राइस लिंक लाइटनिंग डील्स वहाँ पे आती रहती हैं, और कूपन कोड्स भी शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और गिव अवे जो अनाउंसमेंट होती है इधर ही इंस्टाग्राम पे हम डालते रहते हैं। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करा करो ताकि औरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जितना ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ज्यादा मैं गिव अवे आप सभी के लिए लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो शेयरिंग करना बिल्कुल ही मत छोड़िए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सारी सारी चीज़ें करते हैं। बटन टैप करके आपको मेन्यू खुल जाता है, इसमें भी बटन टैप करके मेन्यू खुल जाता है। देखो ब्राइटनेस इसने फिर कम कर ली, ठीक है। तो ये इसमें फ्लॉ लगा मेरे को। डेली एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म आपका शो करता है, और यहाँ पे बोल्ट हेल्थ में आपका सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो शो करता है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बोल्ट हेल्थ की बात करूँ, यहाँ पे हार्ट रेट को चेक करते हैं और एयर यहाँ पे दोनों ही वॉचेज़ में। वैसे डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर के बाद आपका स्लीप मॉनिटर है, और SpO2 लेवल मॉनिटर चेक करते हैं यहाँ पे, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल यहाँ पे। ओके दोनों में से किसी में नहीं बता रहा है, ये अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, तो ट्रेनिंग का ऑप्शन इसमें चेक कर लेते हैं। कहाँ पर ये रहा स्पोर्ट्स मोड। तो वॉकिंग करते हैं 50 स्टेप्स चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किस में मिलती है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपके सामने दोनों की ऑन है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में से ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है किसी की भी। यहाँ पे टैप करके हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना हमने स्टेप्स चले हैं। यहाँ पे मैंने 50 स्टेप चले थे, यहाँ पे 46 दिखा रहा है इसमें 65 दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा दिखा रहा है इसमें दोनों में ही, ठीक है। अब बैक करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे और चीज़ों को, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस डाउन हो गई। तो ये इसमें फ्लॉ लग रहा है मेरे को, या मेरे यूनिट में फ्लॉ, आप बताना ज़रूर अगर किसी ने बाय करी है बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो, क्योंकि अपने आप जो ब्राइटनेस लेवल्स वो कम कर लेता है ये। आगे बात आती है यहाँ पे आपको फ़ोन का ऑप्शन, हाँ फ़ोन चेक कर लेते हैं एक बार, कॉलिंग वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे चेक करते हैं, लाउडनेस आपको अच्छी मिलती है इसमें। आई डोंट नो यहाँ पे लाउडनेस इतनी कम क्यों आ रही है। ओके अब सही हुई है, तो लाउडनेस अच्छी मिलती है। ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ
यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, तो दोनों में ही आपको लाउडनेस सेम ही मिलती है मेरे ख्याल से, सेम यूआई, मतलब एग्जैक्टली डिटो कॉपी कर रखा है बोल्ट ने, एग्जैक्टली कॉपी कर रखा है। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेनिंग मोड के बाद यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। वेदर अपडेट्स है, ई कार्ड का ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा मिलता है आपको, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अलार्म आप दोनों में से किसी में भी नहीं लगा सकते वॉच मेट सेल्फ, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट दोनों में देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट कहाँ गया, फायरबोल्ट की वॉच में आई गेस इधर की साइड मिलता है आपको ये रहा। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो इसमें बता दिया, इसमें नहीं बताया है, नहीं बता रहा है, बता रहा है इसमें भी, बट लाउडनेस कम है वो आप फ़ोन से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। और गैस इसमें एक चीज़ प्लस पॉइंट है, मतलब बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो में, कि गेम्स भी मिल जाते हैं जो आपको इसमें नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है कहीं ना कहीं आपका इसमें, हल्क में एक ऑप्शन मिसिंग है, वो है गेम्स, ठीक है। अब गैस ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं दोनों ही वॉचेस का, किस तरीके से कैसे यहाँ पे कौन सी वॉच हैवी है, ठीक है। यहाँ पे हम रख देते हैं फायरबोल्ट की वॉच, 49 ग्राम्स की है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं बोल्ट की, मतलब बोल्ट ड्रिफ्ट 47 ग्राम्स की, तो 2 ग्राम का अंतर है, दैट्स इट। अब हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की। गाइस मैं आपको सच बताऊँ, फायरबोल्ट की वॉच का जवाब नहीं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है हाथ पे, मतलब मैं कैसे बताऊँ, हद से ज़्यादा प्रीमियम लग रही है इस वॉच से। अब गाइस यहाँ पे ऑक्सीमीटर पहन लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हार्ट रेट और SpO2। यहाँ पे कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो दोनों में चेक कर लेते हैं, वैसे डेडिकेटेड सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और वैसे गाइस ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ अंतर है यहाँ पे दोनों ही वॉचेज़ में, मतलब हल्का आपको अप्रॉक्सीमेटली 3500 या 3000 रुपीज़ तक की प्राइस ब्रैकेट मिल रही है, और ये आपको आई गेस 1800 या 1900 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, तो 1000 रुपए का अंतर है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट, 98 SpO2 दिखा रहा है, हार्ट रेट हमारा 96 दिखा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो फायरबोल्ट की वॉच तो बहुत पीछे रह गई है, यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो आपकी कौन सी वॉच है, बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो, तो फायरबोल्ट यहाँ पे हार जाती है इन टर्म्स ऑफ हार्ट रेट। एक बार चेक कर लेते हैं वैसे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे 89 दिखा रहा है, फाइनली 90 तक हो चुका है ऑक्सीमीटर में। अब गैस दोबारा भी गलत दिखाया, मतलब तो फायरबोल्ट की वॉच में इसमें खासकर एक्यूरेसी की दिक्कत है, ठीक है। इसमें 93 दिखा रहा है और यहाँ पे 92 को काफ़ी एक्यूरेट मिल जाती है। और यहाँ पे आपका इस बार थोड़ा सा यहाँ पे पास आया है बोल्ट, मतलब फायरबोल्ट की हल्क में, और यहाँ पे 97 93, तो काफ़ी एक्यूरेट मिल जाती है आपकी वाली वॉच एज़ कम्पेयर टू फायरबोल्ट की हल्क, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे SpO2 चेक करते हैं, वैसे SpO2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता आप सभी को। देखो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियस बात है, स्ट्रेट अवे यहाँ पे जीत जाती है हमारी बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो, क्योंकि हाफ द प्राइस है, मतलब 1000 रुपये कम में मिल रही है पहले तो। दूसरा गेम्स भी मिल जाते हैं इसमें आपको, वैसे दोनों में ही डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। प्रीमियमनेस ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फायरबोल्ट की बहुत ज़्यादा कह सकते हो ग्लॉसी फिनिशिंग ज़्यादा लगती है इसमें एज कम्पेयर टू दिस वन, बट अगर इसमें ये क्राउन की वर्किंग होता ना तो इसको सीधे पछाड़ देती है, ये अभी भी पछाड़ देती है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्राइसनेस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स के मामले में काफ़ी आगे निकल जाती है। तो गाइस यहाँ पे विनर रह जाती है हमारी बोल्ट की ड्रिफ्ट प्रो। और यही था एक डीप डाउन कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस का। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।